पीढ़ियां पथरीलियां गलियां अते पत्थर दे बने ढांचियां वाली गणेश घाटी शानदार अते विशाल कराकोरम पर्वत नाल घिरी हुई है। पुराना शहर जिसनों गणेश किला कहा जाता है 1000 साल तो भी वध पुराना है। इस पिंड ने अपनी पुरातन तिब्बती विरासत नूं हाले भी सांभिया होया है। ये एक गिलाबंद गांव है। अंग्रेजों के आने से कबल ये गिलगित बल्तिस्तान का रीजन छोटे छोटे आज़ाद स्टेट्स में मुनकसिम था। ये स्टेट्स आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा बाहम दस्तो ग्रेबा रहते थे। इसका बैक साइड पीछे दरिया की तरफ का जो हिस्सा था बिल्कुल 90 डिग्रीज पे खड़े दीवार की तरह कच्चा क्लिफ था और किसी के लिए वहाँ से अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था, यानी कुदरती तौर पर महफूज था। और सामने से उन्होंने ऊंची फसील बनाई, फसील के साथ 14 वॉच टावर तामीर किए। ये वॉच टावर बंकर का काम देते थे, मोर्चे का काम देते थे। इस पिंड दे ना द्वाले कई मिथ हन। बहुत लोग मनते हैं कि गणेश शब्द स्थानक बुरु शासकी भाषा विचों लिया गया है। इसका मतलब है सोना जा ओ था जेड़ी कई रस्तियां दा केंद्र होवे। पर महारे मनते हैं कि इस धारणा नु पूरी तरह रद्द नहीं किया जा सकता। उना मुताबक हो सकता है इस पिंड दा ना हिंदू देवता गणेश दे ना उत्ते रखा गया होवे। 418 एडी में गंधारा के अंदर गुप्ता एम्पायर रूल कर रहा था। गुप्ता एम्पायर में जो मशहूर और मारूफ एम्परर गुजरे हैं श्री विक्रमादित्य के नाम से, जिसने हिंदुस्तान के काफ़ी सारे इलाकों पे कब्ज़ा जमा के अपनी सल्तनत को वसअत दी थी, उसका एक नुमाइंदा यहाँ तक भी पहुँचा जिसका नाम हरिसिन्हा था। हरिसिन्हा ने यहाँ के लोगों से आके कहा, भाई आप गंधारा का हिस्सा हैं, आपके मरकज़ में बुद्ध मत का मजहबी कानून बतौर सरकारी कानून लागू है, लिहाजा आप हजरात भी अपने मुआशरे के अंदर इस बुद्ध मत के मजहबी कानून को राइज करें। तो इन लोगों ने बड़ी खुश दिली से इस मैसेज को इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन यह भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इस इलाके के अंदर कोई हिंदू नहीं था, क्योंकि बजात खुद बुद्ध मत भी हिंदू मसलक से कन्वर्ट होकर महात्मा बुद्ध के वालिदैन बजात खुद हिंदू मत से ताल्लुक रखते थे। इस पिंड दी इमारत साजी भी बहुत वखरी है। पीढ़ियां सप दे आकार वालियां सड़कां अते छोटे दरवाजे ये दर्शाते हैं कि अपनी सुरक्षा दे नाल नाल गणेश पिंड दे लोग अपने आप नू सख्त ठंड तो भी बचाना चाहते सन। लकड़ दे कॉलम जालीदार खिड़कियां मनमोहनी कलाकारी दा नमूना हैं, पर हड़ां नवी उसारी बेरुखी अते समय दे नाल होई टुट भज करके बहुत वड्डा हिस्सा नुकसानिया गया है। अब जो हमारे पास मौजूद है इसमें 30 से 35 पुराने घर मौजूद हैं, ये 7 कदीम मसाजिद मौजूद हैं, 3 वॉच टावर बच गए हैं, उनके साथ ये जो इंट्रेंस था गेट, इंट्रेंस का गेट वो ओरिजिनल शेप में वो भी मौजूद है। इन चीज़ों को देख के इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि आज से 1000 साल कबल ज़िंदगी करने वाला इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारता था। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सैलानियों लिए गणेश आकर्षण का मुख्य केंद्र है। सैर सपाटा इथों के लोगों की आमदन का मुख्य स्रोत है, पर इसने बहुत चुनौतियां भी पैदा कीतियां हन। जो दुनिया इस जगह को देखने के लिए आते हैं वो है नेचुरल ब्यूटी। उस जमाने में लोगों ने हर चीज़ को एक मैनेजमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन टूरिज्म जो जो ही बढ़ गया तो हमारे इलाके में होटलों के इजाफा करने के चक्कर में और कारोबार के चक्कर में बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी मंसूबंदी के लोग अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करने लगे। कुछ कारकुन नवी उसारी उत्ते रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। गणेश विखे सैलानियों लिए पहुंचना बहुत सौखा है क्योंकि ये पाकिस्तान अते चीन नू जोड़न वाले कराकोरम हाईवे उत्ते पैंदा है।